उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। मामला रामपुर की तहसील टांडा का है, जहां सरकारी हैंडपंप से पानी लेने गई युवती को अकेला पाकर गांव के ही तीन लड़के उठाकर गन्ने के खेत में ले गए, जहां उसके साथ बारी बारी से उसके साथ बलात्कार किया गया, जिसके बाद लड़की को बदहाल छोड़कर वहां से फरार हो गए। जब लड़की काफी समय तक घर नहीं लौटी, तब लड़की के घर वालों ने उसकी तलाश जारी की। तब रास्ते में पड़ी बाल्टी को देखकर घर वाले घबरा गए। कुछ समय बाद जब लड़की रोते रोते अपने घर पहुंची, तब उसने पूरा मामला परिजनों को सुनाया, जिसके बाद परिजनों ने तीनों आरोपियों के खिलाफ कोतवाली टांडा में बलात्कार का मुकदमा पंजीकृत कराया, जिसके बाद पुलिस ने कार्यवाही करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन अभी एक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कितनी जल्दी पुलिस इस मामले की तह तक पहुंचकर दोषियों को सलाखों के पीछे भेजती है। उक्त मामले में क्षेत्रीय अधिकारी राहुल कुमार ने बताया कि थाना टांडा क्षेत्र के एक गैंगरेप की वारदात की पुष्टि हुई है, जिसकी FIR लिख ली गई है, जिसके बाद दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। एक आरोपी अभी फरार है, जिसकी तलाश जारी है और पीड़ितों का मेडिकल कराकर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। जी, आज थाना टांडा क्षेत्र में एक गैंग रेप की वारदात की पुष्टि हुई है, उसकी FIR थाना टांडा पर लिख दी गई है और दो आरोपी जो हैं उसमें गिरफ्तार कर लिए गए हैं पुलिस द्वारा। एक आरोपी अभी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है और पीड़िता का मेडिकल करा के अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।